सो हे गाइज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइज, फिर से एक न्यू ट्रेंडिंग लिरिक्स वीडियो एडिटिंग लेके आ गया हूँ। तो दोस्तों, अभी जो ये वीडियो है ना, यानी ये जो रील्स है ना, इंस्टाग्राम पे काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम कुछ इस प्रकार की स्टेटस वीडियो बनाने वाले हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ इस टाइप की लिरिक्स वीडियो बनाने के लिए अलाइट मोशन एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लेना है, देन ओपन कर लेना है। अब इस वीडियो के एडिटिंग के लिए मैंने जो भी मटेरियल का यूज किया, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम करने वाले हैं, प्लस पे टैप कर लेंगे, 9x16 की साइज को सिलेक्ट करके बैकग्राउंड कलर ब्लैक सिलेक्ट करके क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लेंगे। और इस वीडियो को तो पहले लास्ट तक जरूर देखते रहना, क्योंकि यहाँ पर एक एक जितने भी इफेक्ट हैं सब कुछ आपको बताऊंगा कि कैसे ऐड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर प्लस में आकर मैं मीडिया में आऊँगा, और फिलहाल के लिए आज अपनी गैलरी में आएंगे, और गैलरी से नहीं, यहाँ से मैं इस वीडियो को टैप करके ऐड कर लेता हूँ। इस वीडियो में सॉन्ग लगी हुई है, तो वीडियो को हम टैप करेंगे, 3 डॉट पे आके एक्सट्रैक्ट ऑडियो पे क्लिक करके इसकी सॉन्ग को ले लेंगे। अब इसको टैप करके मैं डिलीट कर लेता हूँ। अभी फोटोज़ को ऐड करेंगे, तो उसके लिए प्लस में आकर मैं मीडिया में आऊँगा, और उसके बाद मैं गाइस अपनी गैलरी में आएंगे, और गैलरी से यहाँ से मैं फ़ोटोज़ को क्लिक करके ऐड कर लेता हूँ। मूवमेंट ट्रांसफर में क्लिक करके अपनी फ़ोटो को कुछ इस तरीके से आपको फुल स्क्रीन कर लेना, और यहाँ पे सेंटर में यहाँ पर फिक्स कर लेना। गाइस, कुछ इस तरीके की फ़ोटो आपको कैसे डाउनलोड करना वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले इसको क्लिक करके ड्यूरेशन को लास्ट तक कर लेना, ठीक है? इस तरीके की फ़ोटो आपको कैसे डाउनलोड करना है मैं लास्ट में बताऊँगा, पहले आप देखते रहो वीडियो को, ठीक है? तो यहाँ पर पहले अब इफेक्ट को ऐड करेंगे, तो क्लिक कर लेना इफेक्ट में, आके एड इफेक्ट पे आएंगे, और इस बार जो हम पहले इफेक्ट जो सर्च करने वाले हैं, सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस, इसको क्लिक करके स्टैंडर्ड सेटिंग्स को ऑन कर लेना। सैचुरेशन को आपको यहाँ पर माइनस करके करीब यहाँ पे 75 के अप्रोक्स रखना है। फिर इफेक्ट में आके एड इफेक्ट पे आएंगे, और उसके बाद में यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है विग्नेट। तो यहाँ पर विग्नेटी या विग्नेट आप सर्च करोगे, ये वाला ऑप्शन मिलेगा, इसको क्लिक करके स्टैंडर्ड सेटिंग्स को ऑन कर लेना। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से भी फिलहाल के लिए साइज को हम डिक्रीज करेंगे। अभी ब्लेंडिंग एंड ओपासिटी में इसकी ओपासिटी को हम थोड़ा सा कम कर लेंगे, तो 80 कर लेता हूँ। फिर इफेक्ट में आके एड इफेक्ट पे आएंगे, और इस बार हम सर्च करेंगे ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट, इसको क्लिक करके स्टैंडर्ड सेटिंग्स को ऑन करेंगे, और यहाँ पर ब्राइटनेस को भी थोड़ा मैं कम करूँगा, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, ठीक है? उसके बाद फिर इफेक्ट में आके एड इफेक्ट पे आएंगे, और इस बार हम सर्च करेंगे एक्सपोजर गामा, इसको क्लिक करके स्टैंडर्ड सेटिंग्स को ऑन करेंगे, बस यहाँ पर गामा को हम थोड़ा सा कम करेंगे, ठीक है? तो गाइस, कुछ इस तरीके से आपको इतना करना। तो यहाँ पर आप बैक हो जाएंगे, और यहाँ पर अब मेन जो इफेक्ट है ना, कलर। तो गाइस, जो भी आपकी इमेजेस रहेगा ना, उस पर कलर आपको अपने अकॉर्डिंग सेट करना है। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं आपको बताऊंगा वैसे ही आपको ऐड करना है। इफेक्ट पे आके एड इफेक्ट पे आ जाओ, और यहाँ पर हमने सर्च कर लेना है कलर ट्यून। तो देख सकते हो, यहाँ पर कलर हम लिखेंगे जैसे, तो यहाँ पर देख सकते हो कलर ट्यून आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा, इसको क्लिक करके स्टैंडर्ड सेटिंग्स को ऑन कर लो। अब देखो, इसको बहुत ध्यान से देखना है। अब यहाँ पर कलर वाले ऑप्शन में आएंगे, लेफ्ट को हम थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है? तो देख सकते हो, जो भी कलर आपको मिनिमाइज करना है गाइस, यहाँ पर देख सकते हो कलर आपको भरपूर मिल जाएगा, जो कलर आपको फोटो में सेट करना है। तो जैसे कि ये भी कलर भाई बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठीक है? तो इसको मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा सा लेफ्ट को, फिर गामा को मैं थोड़ा सा डाउन कर लूँगा, ठीक है? ऐसे करके, ठीक है? उसके बाद मैं गेन को भी गाइस थोड़ा सा मैं ऊपर करूँगा, ठीक है? और ऑफ साइड को थोड़ा सा इस तरफ करेंगे, ठीक है? और ये जो ऑप्शन है ना, देख सकते हो जहाँ पर अभी क्लिक कर रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा ना नीचे करूँगा, ठीक है? तो देख सकते हो, ऐसे करके मैं नीचे कर लिया हूँ। अब डन कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर इस इफेक्ट को दिखाता हूँ, तो देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको एक कलर बन जाएगी, ठीक है? अब यहाँ पर एड इफेक्ट पे आके फिर से एक इफेक्ट ऐड कर लेना। अगर आपकी फ़ोटो को चारों साइड अगर छोटी साइज है, तो टाइल्स सर्च कर लेना, और इसको क्लिक करके स्टैंडर्ड सेटिंग्स को ऑन कर लेना, और यहाँ पे क्लिक करके मिरर को ऑन कर लेना। तो देखो, इसका मतलब ये होता है कि देखो, इस तरफ हमारी फ़ोटो अगर छोटा हो जाएगा, तो देख सकते हो ये गाइज काम करेगा, ठीक है? तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो अब इतना करेंगे, और गाइज यहाँ पर थोड़ा सा मैंने विग्नेट को थोड़ा कम कर लेता हूँ यार, तो ये कुछ ज़्यादा ही विग्नेट हो गया ऐड, तो इसको हम थोड़ा सा कम कर लेंगे, ठीक है? और उसके बाद में यहाँ पर बस मैं एक्सपोजर गामा में आकर गामा को थोड़ा कम कर लूँगा, ठीक है? तो इतना कर दूँगा, ठीक है? अब इतना हो चुका है, उसके बाद में प्लस में आके फिर से एक शेप को ऐड कर लेना, कुछ इस तरीके से आपको कर लेना है,
ठीक है, और थोड़ा सा ऊपर नीचे अपने अकॉर्डिंग कर लेना। ये जो फ़ोटो है थोड़ा सा ऊपर करता हूँ मैं, ठीक है। तो फोटो को ऊपर नीचे कर लेना। अब इसको क्लिक करके शेप को ऐसे कर लेना, ड्यूरेशन को लास्ट तक करना। अब आपको फिर से प्लस में आकर मीडिया में आकर अपनी उसी फ़ोटोज़ को ऐड कर लेना। अब इसको टैप करके नीचे कर लीजिए, ड्यूरेशन को लास्ट तक कर लीजिए। अब इन दोनों को सिलेक्ट कर लेना आपको और इस वाले ऑप्शन पर टैप कर लेना। तो देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक लेयर बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा। अब इसको टैप करके एडिट ग्रुप में और अपनी जो इमेज है जितना जूम वगैरह करना चाहते हो जूम कर सकते हो, सेंटर में फिक्स कर लेना, ठीक है। तो इतना हो चुका है। अभी क्लिक करके गाइज यहाँ पे इफेक्ट में आके एड इफेक्ट पे आओ, फिर से यहाँ पर आपको सर्च करना है ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट। इसको क्लिक करके स्टैंडर्ड सेटिंग्स को ऑन कर लेना। ब्राइटनेस को थोड़ा कम करेंगे, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, फिर इफेक्ट में आके एड इफेक्ट पे आएंगे और इस बार हम सर्च करेंगे फैतर। तो देख सकते हो फैतर वाला ये ऑप्शन मिलेगा, इसको क्लिक करके स्टैंडर्ड सेटिंग्स को ऑन कर लेना। सबसे पहले गाइज यहाँ पर इसको कम करके 2 कर लेंगे और यहाँ पे स्ट्रेंथ को आपको अपने अकॉर्डिंग बढ़ा लेना जितना भी करना है। देखो मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं करूँगा, इतना ही करूँगा भाई। तो ये देखो इतना करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको और इन 3 कर लेता हूँ इसको मैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं कम करता हूँ तो देख सकते हो, और इसको अगर हम बढ़ाएं तो भाई इतना आपको कर लेना है ऐसे करके, ठीक है। इतना कर लेना है गाइस, ध्यान से देखो, इतना आपको फैतर कर लेना है। तो यार मेरे को थोड़ा सा और इसको करना है तो थोड़ा सा कम लग रहा है, तो इसको चलो यार बढ़ा सकते हो आप ज़्यादा करके, ठीक है। तो यार इसको मैं 2 ही रहने देता हूँ, इसको बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मूव एंड ट्रांसफर में किस किस साइज को बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पर आपको नीचे आओगे तो जो फोटो पर जो हम इफेक्ट ऐड किए थे कलर ट्यून वाली, तो इसको टैप करके इफेक्ट में आना और ये जो कलर ट्यून है इसको टैप करके 3 डॉट पर आके कॉपी इफेक्ट कर लेना। और जो हमारी इमेज ग्रुप वाली इसको टैप करके इफेक्ट में आकर 3 डॉट पे आकर पेस्ट इफेक्ट कर लेना। देखो दोनों कलर सेम हो जाएगा बिल्कुल गाइस, अभी कमाल की देखने को मिल रहा है आपकी टेक्स्ट यानी कि फोटोज वगैरह। अब इस पे टेक्स्ट वगैरह क्रिएट करेंगे तो गाइस जो भी सॉन्ग रहेगा ना उसकी लिरिक्स को आपको गूगल में जाकर सर्च कर लेना होगा। आपको बहुत सारे वेबसाइट मिल जाएंगे, वहां से आप अपनी लिरिक्स को कॉपी कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर गाइस मैं देख सकता हूं अपनी एक वेबसाइट पर आ चुका हूं और फिलहाल के लिए यहां से टैप करके मैं उस लिरिक्स की जो वर्ड्स होते हैं उसको मैं कॉपी कर लूंगा, क्योंकि यहाँ पर अपनी लिरिक्स हम टैप करके लिखेंगे, ठीक है। तो यार एक और चीज़ है तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, आप पहले बैक हो जाना और एक आपको फुल प्रोजेक्ट मिल जाएगा अगर आप नहीं बना पाओगे तो, ये वाला, तो इसको इंपोर्ट कर लीजिएगा। तो देखो यहाँ पर आपको ये वाला एक ऑप्शन मिलेगा, ये वाला लिरिक्स वाला, तो इसको क्लिक करके इस प्लस में आके यहाँ पर कॉपी लेयर कर लेना, ठीक है। और यहाँ पर अपनी प्रोजेक्ट में आके प्लस में आके पेस्ट लेयर कर लेना, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और गाइस यहाँ पर ये हार्ट वगैरह सब कुछ आ जाएगा, मैंने पहले से सारा कुछ ये इफेक्ट वगैरह ऐड करके रखा हुआ, आपको ज़्यादा चीज़ नहीं करना है। इसलिए यहाँ पर हम पहले स्टार्टिंग में लिखेंगे फील दिस सॉन्ग, क्योंकि मेन चक्कर है कि गाइस स्टार्टिंग में खाली सॉन्ग ही है तो सिंगर की वॉइस नहीं है, तो यहाँ पर इसलिए मैंने लिख दिया है फील दिस सॉन्ग, ठीक है। अब आपको इस फॉन्ट को भी कैसे ऐड करना वो भी बता देता हूँ, तो टैप कर लेना, एडिट में आ जाना और सबसे पहले तो गाइस यहाँ पर इस वाले टॉप इसको टैप कर लेना है, लिरिक्स को, फॉन्ट को सॉरी, व्यू ऑल फॉन्ट्स में आकर 3 डॉट पर आकर इम्पोर्ट फॉन्ट्स में आइएगा और आपको जो भी फॉन्ट मैंने दे रखा है सेलेक्ट कर लेना, तो फॉन्ट आपकी ऐड होकर यहीं पे दिख जाएगा, ठीक है। नहीं तो आपको सर्च में आके फॉन्ट की नेम लिख लेना है, बेबस नाम की फॉन्ट मिलेगा तो उसको टैप कर लेना, तो देखो आपके लिरिक्स कुछ इस तरीके से जैसे मेरा हो रहा है वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को टैप कर लेना, प्लस में आके फिर से कॉपी लेयर कर लेना। अब जहाँ से दूसरी लिरिक्स होगा प्ले वहाँ पर आपको आ जाना है, जैसे कि यहाँ पे है, तो प्लस में आके पेस्ट लेयर कर लेना। अब इसको टैप करके डिलीट इसमें एडिट टेक्स्ट में आएंगे, जो आपकी यहाँ पर लिरिक्स रहेगा उसको यहाँ पर पेस्ट कर लेना होगा। देखो जैसे कि मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ और बाकी के फिर से लिरिक्स को हम कॉपी कर लेंगे, नेक्स्ट पार्ट में उसको लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इस तरीके से वीडियो को प्ले करना, जहाँ पर ये लिरिक्स की ड्यूरेशन इतना, जैसे मान लो इतना है, तो इसको क्लिक कर लेना, एक बीट मार्क लगा लेना, टाइमर पे आके इसकी टाइमर को क्लिक करके इसको इंक्रीज कर लेना, फिर प्लस में आके पेस्ट लेयर कर लेना। अब दूसरी आपको यहाँ पे लिरिक्स को टैप कर लेना, एडिट टेक्स्ट में आना, जो आपकी अब नेक्स्ट वाली लिरिक्स रहेगा उसको पेस्ट कर लीजिएगा, बाकी के फिर लिरिक्स को हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इतना लिखूंगा, ठीक है, बाकी के फिर से मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो ये हार्ट रिमूव हो चुका है भाई, तो इस हार्ट को कॉपी कर लेंगे और इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। और स्टार्टिंग की कुछ इस तरीके से मैं डाल लेता हूँ, ठीक है।
अब देखो यहाँ पर फिर से आगे आपको कुछ इस तरीके से अपने लिरिक्स को टाइप करते जाना, मान लो फिर से यहाँ पे, तो टाइमर पे क्लिक करके हम यहाँ कर लेंगे, ठीक है। तो आगे भी आपको कुछ इस टाइप से लिरिक्स को टाइप करते जाना है। जब आप लिरिक्स वगैरह लिख लोगे तो फिर प्लस में आकर टेक्स्ट पे आ जाना और यहाँ पे इसको टैप करके कुछ मैं इमोजीज को ऐसे करके ऐड कर लेता हूँ, और कलर में आके इसको ऑप्शन को टैप करेंगे, नीचे की तरफ खींच लोगे ट्रांसपेरेंट होगा। रोबोटो रेगुलर पे आके आपको एक iOS 13 नाम की फॉन्ट मिलेगा, इसको भी सिलेक्ट करके इसकी पीटी को छोटा कर लेंगे, साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेना, इसको टाइप कर लेना और इसको ना यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं गाइस ये कहाँ से होगा, तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं देख लेता हूँ। तो ये भाई इसकी ड्यूरेशन को तो पहले हम यहाँ पर पूरी एंड तक कर लेना है, और देखते हैं हमारी जो लिरिक्स है कहाँ तक जाती है। इसको टैप करके यहाँ पर रखेंगे और उसके बाद में गाइस यहाँ पर बॉर्डर एंड शैडो में का थर्ड ऑप्शन को इनेबल कर लेना, ठीक है, बस इतना कर लेना है। तो देखो यहाँ पर ये ऐड हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर फाइनली गाइस हमारी वीडियो बन चुकी है। अब इस वीडियो को हमने पहले एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर टैप करके गैलरी में सेव कर लेना है। जब ये वीडियो सेव हो जाए तो आपको यहाँ पर कैपकट एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करना है, जिसका लिंक आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। साथ में आपको गूगल प्ले स्टोर से कोई भी एक VPN को गाइस डाउनलोड कर लेना है। आपको पता है VPN के बिना भाई यहाँ पर कैपकट नहीं प्ले होता, यानी नहीं चलता है। तो यहाँ पर सिक्वेयर VPN नाम के एक ऐप को मैंने डाउनलोड कर रखा है। अब इसको क्लिक करके मैं यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ। पहले तो जस्ट वेट, इसको हम यहाँ पर कनेक्ट कर लेंगे। तो देख सकते हो हमारा कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर हम कैपकट को ओपन करेंगे। कैपकट से हम थोड़ा सा होलो ब्लर की इफेक्ट ऐड करेंगे, तो इसके लिए न्यू प्रोजेक्ट पर टैप कर लेना। जो आपकी वीडियो रहेगा उस वीडियो को क्लिक करके यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, ऐड पे टैप कर लेना। अब जैसे टैप कर लोगे तो वीडियो तो आ चुका है। अब यहाँ पर इफेक्ट में आना, बॉडी वीडियो इफेक्ट में आना। वीडियो इफेक्ट में आओगे तो नीचे की तरफ आपको देखो एक होलो ब्लर का ऑप्शन मिलेगा। तो जस्ट वेट यार, ये कैपकट कभी कभी ना भाई बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम करता है भाई। ये नेट की वजह से नहीं हो रहा है, ठीक है, मेरा वाईफाई चलता है, काफ़ी फास्ट है। और ये देखो भाई यहाँ पर ना होलो ब्लर इफेक्ट ऐड करना है। चलो इसको एक बार डिसकनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करता हूँ। तो गाइज अब यहाँ पर फिर से वीडियो इफेक्ट पे मैं टैप कर लेता हूँ, तो उस टाइम नहीं प्ले हो रहा था जल्दी। तो यहाँ पर नीचे आओगे तो देखो यहाँ पर आपको होलो ब्लर का एक ऑप्शन मिलेगा, होलो ब्लर जो भी है, इसको टैप कर लेना। टैप करने के बाद में इसी को एक बार और टैप करोगे तो यहाँ पर इंटरसिटी को आपको इंक्रीज कर लेना थोड़ा सा, और स्पीड को इतना ही रखना है, देख सकते हो 30 या 35 के अप्रॉक्स, और इंटरसिटी को यहाँ पर 80 रख लेना और डन कर लेना। अब इसकी साइज़ मैं ज़्यादा नहीं रखूँगा, इतना ही रखूँगा। तो देख सकते हो कुछ इस तरीके से प्ले होगा। अब यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर टैप कर लेना, एक्सपोर्ट करके वीडियो को गैलरी में सेव कर लीजिएगा। तो गाइज अब फोटो को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आपको गूगल प्ले स्टोर पर चले जाना है, और आपको एक प्रिंटरस नाम की ऐप मिल जाएगा, उसे डाउनलोड करके ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको सर्च वाले ऑप्शन में आ जाना है और सर्च में लिख लेना एस्थेटिक, देख सकते हो एस्थेटिक कपल फोटोज। तो कुछ इस तरीके से सर्च कर लोगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पर कपल्स की इमेजेस मिल जाएगा, देख सकते हो। जो भी इमेजेस आपको पसंद है सिंपली इसको टैप कर लेना और इस 3 डॉट पर आके डाउनलोड इमेज के ऑप्शन पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। कुछ इस तरीके से नीचे भी जाओगे तो और भी इमेजेस मिल जाएगा। तो यहाँ से गाइस आप कुछ इस तरीके की इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हो। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।